long dipper from Junaid Khan. He gets the big one. Assalamualaikum everyone. धुएं डाई वाला काम शुरू हो गया पाकिस्तान टीम जो एशिया कप में खेल रही है टीम एक अभी कुछ देर पहले जो है पाकिस्तान की जो थी ओडीआई की नंबर वन टीम थी लेकिन हमारी भी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है स्पेशली वाइड बॉल में क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है टी ट्वेंटी में हम नंबर वन थे फर्स्ट स्टेट में हम नंबर फाइव नंबर सिक्स पर पहुँच गए थे फिर ओडीआई में यही सिचुएशन कभी ऊपर कभी नीचे लेकिन अगेंस्ट इंडिया चाहे टीम की परफॉर्मेंस हो या इंडिविजुअल हम लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं लेकिन जिस तरीके से हम खेले तो जितनी क्रिकेट मैं खेला हो या देखा हुआ है तो मैंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी किसी टीम की क्योंकि 248 के बड़े मार्जिन से हारना समझ से बाहर था और स्पेशली गलतियाँ ये हुई कि मैं अगर कहूँ ना तो लोग कह रहे हैं ना कि तीनों डिपार्टमेंट में मैं कह रहा हूँ कि चारों डिपार्टमेंट में हमने गलती की है क्योंकि टॉस जीता है तो हमने बॉलिंग चूज की है हालांकि सारों को पता है कि श्रीलंका में गर्मी है और शाम के टाइम जो है वो बॉल जो है वो स्विंग और सीम होता है दूसरा वैसे भी श्रीलंका की जो लाइटें हैं ना उस तरह की क्लियर नहीं है तो बॉल जो है वो लेग नज़र आता है जितना मैं खुद खेला हूँ फिर आप देख लें कि बैटिंग में भी हम फ्लॉप कर गए बॉलिंग भी उस तरीके की नहीं हुई फिर फील्डिंग भी आप लोगों ने देख ली कि किस तरह की हुई है लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है अगर आप लोगों ने नोट किया हुआ है जितनी भी कंट्रीज है अभी इंग्लैंड का मैचेस चल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ तो आप देख लें वो रोटेशन पॉलिसी पे है लेकिन हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ ज़्यादातर प्लेयर्स को देखा जाता है तो हमारे जो इंटरनेशनल है हमारे वो तो छोड़ जो लीग क्रिकेट है वो भी कोई नहीं छोड़ता आप देख लें कि हमारे कितने प्लेयर जो है वो अभी श्रीलंकन लीग भी खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो बिग बैश भी खेल रहे हैं सीपीएल भी खेल रहे हैं वाहिद इस टाइम जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं और लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं बाकी जो है वो इंटरनेशनल में भी रोटेशन पॉलिसी पे खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को देखना चाहिए अब जिस तरह देख एंड टाइम पे जो है वो हारिस का प्रॉब्लम भी आया नसीम का प्रॉब्लम आ गया तो अल्लाह ना करे अगर वर्ल्ड कप करीब है चाहे जो भी टीम हो वो वर्ल्ड कप नंबर वन ही रहे लेकिन जब वो आईसीसी के इवेंट नहीं जीते तो वो टीम जो है वो कोई टीम उनको जो है उस तरीके से नहीं देखती आप साउथ अफ्रीका को उठा के देख ले साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कितनी दफ़ा जो है वर्ल्ड नंबर वन रही है सालों तक रही है लेकिन आईसीसी इवेंट पे जब वो लोग आ जाते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है तो लोग क्या कहते हैं याद ये देख लिया किस तरह की टीम है क्योंकि जो प्रिपरेशन होता है जो टूर्नामेंट्स वगैरह जो छोटे छोटे होते हैं या इंडिविजुअली हम अगेंस्ट किसी टीम पे खेलते हैं तो ये हम तैयारी करते हैं आईसीसी की इवेंट की तो ये कुछ आप चीज़ें जो है मेरे ख्याल में अगर इसको हम थोड़ा सा साइड लाइन कर लेंगे तो हमारी टीम के जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होती जाएंगी तो उसके बाद अगर आज की जो अगर बात की जाए जिस तरह आज मैच होगा डू एंड डाई वाला जो है पाकिस्तान के लिए इवन श्रीलंका के लिए भी है लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश भी खेलना है अभी और श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश पर जीत चुकी है तो पांच चेंजेस के उसमें कुछ इंजरीज की वजह से भी किए स्पेशली और फिर उसके बाद अगर फहर जमान की जगह हारिस आया हुआ हारिस नो डाउट अच्छा प्लेयर है अल्लाह करे आज वो परफॉर्म भी करे क्योंकि टीम को उसकी ज़रूरत है लेकिन ये कि हारिस जो है वो 25-30 रन जो है वो तेज बना लेता है वो लंबी स्कोर नहीं कर सकता बहुत नो डाउट आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन ये कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और हमें चाहिए था कि उसको और भी चांस दे देते हाँ अनलेस अगर आपने आगे भी हारिस को ही खिलाना है फिर तो फिर ओके लेकिन अगर आपने आगे बहर को खिलाना है तो अगर आज आप उनको ड्रॉप करते हैं तो प्रेशर उन पर और ज़्यादा आएगा और स्पेशली वर्ल्ड कप का तो वैसे भी प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते हैं फिर जमान खान नो डाउट उसने इंग्लैंड में भी अच्छी बॉलिंग की लीग वगैरह में भी टी ट्वेंटी जितना वो खेला है तो वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये कि अभी वनडे क्रिकेट में मेरे हिसाब से उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा सो कमी तो महसूस होगी अभी नसीम की भी और बाकी भी जो इंजर्ड हुए लेकिन ये कि दुआ वो है कि पाकिस्तान जो है ये मर्जी जाए क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहे तो अगर हमारा मोराल जो है वो हाई होगा तो तभी जाके हम परफॉर्म करेंगे वहाँ की कंडीशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है एशियन कंडीशन है तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की आप लोगों की जो भी राय है आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं।